हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज बनाने वाली मैं मुंबई का सबसे फेमस जो होता है बड़ा पाव, जो कि इतना फेमस है ना, वो आजकल दिल्ली में आ गया है। दिल्ली के मतलब ज़्यादा ही मशहूर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ लगती है जैसे लगता है भंडारा बट रहा है। सुबह से लाइन लगाओ और शाम को मिलता है, ऐसा सब कहते हैं। मैं तो नहीं गई हूँ कभी, दिल्ली में रहकर भी मैंने अभी तक दिल्ली का बड़ा पाव नहीं टेस्ट किया, ना ही मैं मुंबई का मैंने अभी तक टेस्ट किया है। तो चलो आज बनाते हैं हम घर पे बड़ा पाव। जो तो सबसे पहले हमें आलू बॉईल कर लेने हैं और उसके बाद हमें हरी चटनी बनानी है। हरी चटनी बनाने के लिए हरी धनिया चाहिए, हरी मिर्च चाहिए, उसमें थोड़े सा जीरा चाहिए और उसमें अदरक लहसुन, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हमें ना कढ़ाई लेनी है, उसमें हमने थोड़ा सा तेल डाला, सरसों का मैंने यहाँ पर यूज किया है। उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाला और थोड़ी सी मैंने राई डाली। उसके बाद हमें इसमें जो चटनी हमने हरी धनिया की पीसी थी वो डालनी है। उसके बाद हल्दी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। मसाला जब अच्छी तरह से आपका पक जाए उसके बाद हमें इसमें आलू ऐड करने हैं। आलू ऐड करने के बाद जब हमें थोड़ी देर चला लेना है, 2-3 मिनट इसका चलाने के बाद उसमें है ना हमें हरी धनिया ऐड कर देनी है और आपका तैयार हो गया। अब आलू के लड्डू बना लो, क्योंकि लड्डू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लड्डू अच्छे लगते हैं ना यार, मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। और आपको, अरे बेसन के लड्डू छोड़ो, पहले ये वाले हम तैयार कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, ये हमारा अलग बन गए हैं। अब हमें तैयार करना है बेसन वाला बेटर, जो कि हमें इसमें मिलाना है। तो फिर उसके बाद हमें बेसन लेने हैं, उसमें हमें स्पाइसी मसाले यानी कि बेसिक मसाले डालने हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, अजवाइन मतलब भुना हुआ जीरा, आपको जो बेसिक मसाले अच्छे लगते हैं वो डाल लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा खट्टा अगर चाहते हैं आप तो थोड़ा सा इसमें आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालना, जैसे आप पकोड़े बनाते हो ना वैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डालना, और आप अच्छे से बढ़िया से गाढ़ा सा एक अच्छा सा बना लेना, थिक सा बेटर, जो कि बहुत ही अच्छा। उसके बाद हमने जो बोल बनाए थे, मतलब जो हमने लड्डू बनाए थे, वो वाले लड्डू हमें इसमें डालने हैं और तल लेने हैं, यानी कि पकौड़े आलू के, जो कि ऐसे बनते हैं ना, अच्छे लगते हैं यार पकौड़े, मुझे भी अच्छे लगते हैं पकौड़े। पकौड़े छोड़ो, पहले जल जाएंगे। अच्छा ये हमारा तैयार हो गया है पकौड़े, तो अब हमें क्या करना है, चटनी बनानी है जो लाल वाली होती है। तो चटनी बनाने के लिए ना मैंने क्या किया, पहले मैंने बेसन को ऐसे ऐसे डाल दिया, कैसे डाला आप देख लेना। उसके बाद मैंने थोड़ा सा लहसुन तल लिए और हरी मिर्च, यार हरी मिर्च के बिना तो यार कोई भी डिश अच्छी नहीं लगती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही हरी मिर्च पसंद है, तो हरी मिर्च कर लिया। उसके बाद है ना फिर हमें क्या करना, हरी मिर्च जो हमने निकाल के रखी थी वो साइड में रख देंगे, और जो लाल चटनी बनाने के लिए बेसन का जो हमने रखा था, लहसुन और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, हमें इसे जार में डाल के ग्राइंड कर लेना है। अब हमें पाव लेना है, हमारी हरी चटनी पहले से रखी रेडी और हमारी लाल चटनी भी तैयार हो गई, तो पहले हमें बटर थोड़ा सा लगा लेना। उसके बाद हमें पहले हरी चटनी लगानी है, उसके बाद हमें हमने जो पकोड़े बनाए थे वो आलू वाले पकोड़े रखने हैं, और उसके ऊपर हमने जो लाल चटनी बनाई थी वो रखनी है, और हमारा बड़ा पाव एकदम से तैयार हो गया। 50 रुपए के लिए ना लाइन लगा के खड़े रहो, उससे अच्छा तो घर पे बना के आराम से खा लो, जो आजकल मुंबई के बाद दिल्ली में फेमस हो रहा है। और अगर आपने दिल्ली में जाके खाया है तो आप बताना टेस्ट आपको कैसा लगा है, और अगर आपने घर पे बना के खाया है तो भी बताना आपको टेस्ट कैसा लगा है। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मिलती हूँ आपको जल्दी। बाय बाय।